परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, माननीय अशोक जी, मंत्री प्रवर श्रीमान जावड़ेकर जी, श्रीमती स्मृति ईरानी जी, पुस्तक के लेखक हमारे मित्र श्रीमान विजय सोनकर शास्त्री जी और प्रकाशक महोदय, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, डॉक्टर साहब ने जैसे इन पुस्तकों को साध्यंत पढ़ा वैसा मैं पढ़ नहीं पाया, परंतु कई वर्षों से शास्त्री जी से मेरा मिलना लगातार बना है। उनके विचारों से भी मैं परिचित हूं और इन पुस्तकों की रूपरेखाओं के बारे में भी हमारी उनकी दो तीन बार अच्छी चर्चा हुई। जब उन्होंने ऐसे पुस्तक लिखने का प्रस्ताव रखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा लिखिए, और विमोचन में मैं उपस्थित रहूंगा। तो पुस्तकें तो उनकी लिखकर कई दिनों से तैयार है, लेकिन मेरी व्यस्तता के कारण उसके प्रकाशन में ये देरी हो रही है। मेरे मन में और एक बात आती है कि मेरे कारण एक साल भर की देरी तो हो ही गई प्रकाशन में, परंतु जिस विचार से, मानसिकता से इन पुस्तकों के बारे में एक संकल्प बना और उनका निर्माण हुआ, उसको तो कम से कम 50 साल की देरी हुई है। क्योंकि एक समाज है और इतना भेद है, ऐसा दृश्य जो समाज अपने विकास की आकांक्षा रखता है वो बहुत ज्यादा दिन चलने नहीं देता। ठीक है, हम अपने स्वातंत्र्य के संघर्ष में गत हजार वर्ष व्यस्त रहे तो हजार वर्ष हम कर नहीं पाए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद तुरंत यह होना चाहिए था। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत एक अच्छा काम हुआ है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय कहते थे कि बराबरी में सबको अगर लाना है तो एक व्यावहारिक बात है कि बराबरी की रेखा के जो नीचे है उनके लिए बराबरी की रेखा के ऊपर जो लोग हैं वो अपने शरीर को झुकाकर हाथ आगे करें, और उसी समय यह भी आवश्यक है कि जो नीचे है वो थोड़ा अपनी एड़ियों को उठाकर अपना हाथ ऊपर करें, तभी एक दूसरे के सहयोग से सब बराबरी में आ सकते हैं। और सहयोग से बराबरी में आएंगे तो मित्रता आगे भी चलेगी। ऐसे नहीं है कि ऊपर वाला झुकेगा नहीं तो नीचे वाला ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि जिस एक समाज के हम हैं उस समाज में सबके पास क्षमता है, और हम देख भी रहे हैं। कई बार मुझे लगता है कि हम लोग जो अपने आप को रेखा के ऊपर मानते हैं वो जब बात करते हैं कि हमको झुकना पड़ेगा तो मुझे लगता है इसमें भी थोड़ा सा अहंकार है। क्या झुकना पड़ेगा? नहीं झुकोगे तो आपकी दुर्गति है। जिनको ऊपर उठकर आना है उनका प्रयास तो शुरू हो गया और यशस्वी भी हो रहा है, और इसलिए हमारे सभी श्रेष्ठ अधिकारी कहा करते थे, बाला साहब, गुरुजी, कि भेदभाव भूलना और भुलाने का काम करना, ये जो भेदभाव के शिकार है उनके उद्धार का काम नहीं है,
ये स्वयं के उद्धार का काम है। कारण बहुत सारे हैं ये भेदभाव उत्पन्न होने के, अब कारणों में जाता नहीं, उन पुस्तकों में कुछ बातें हैं, और भी बातें हो सकती है, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन पहली बात तो इस पर अपने मन का पक्का निश्चय होना चाहिए कि ये बात गलत है। समाज का प्रत्येक घटक मेरा अपना आत्मीय बंधु है और इसलिए मेरा भाई मेरे लिए जैसा सम्मान योग्य है वैसा वो भी मेरे लिए सम्मान योग्य है, क्योंकि ये जो मूल समस्या है वो मूल समस्या यहीं से शुरू होती है। आत्मीयता और सम्मान के अभाव में ये पिछड़ापन आया, अवसरों से वंचित रहे, विकास से वंचित रहे, और इसको मूल में से हटाना है तो उस आत्मीयता और सम्मान की प्रतिष्ठापना फिर से करनी पड़ेगी। काम किसी का कोई भी हो, हां कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो अस्वच्छ होते हैं, और केवल मैला साफ करने का काम ही अस्वच्छ होता है ऐसा नहीं है, बड़ा डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो वो सारा खून वगैरह उससे और सारे उपकरणों का सन जाना वगैरह ये भी अस्वच्छता है, लेकिन मनुष्य के हित के लिए मनुष्य का जीवन चले इसके लिए किए जाने वाले कामों में अस्वच्छता हो सकती है, उसमें अपवित्रता नहीं है। इसको समझना चाहिए। ये कार्यों के बारे में पवित्र अपवित्रता की जब भावना आ गई, ऊंच नीच की भावना आ गई, तो आक्रमकों ने देखा कि अच्छा है इस समाज को तोड़ने का उपाय, तो जो हमारा नहीं मानेंगे उनको अपवित्र कार्य में लगाएंगे इस समाज की मान्यता के अनुसार, तो अपवित्र कार्य करने वालों को अपने आप ही ये समाज दूर करेगा, फिर हम आप मुख बाए अजगर जैसे पड़े रहेंगे तो आ पड़ेंगे। अशोक जी ने षड्यंत्र का उल्लेख किया, वो षड्यंत्र ऐसे ही चलते हैं। हम इसके शिकार क्यों होते हैं? कैसे होगा कार्य? अब दिखने में तो अपवित्रता अस्वच्छता के साथ दिखती ही है, अब वो तो मनुष्य के मन में सनातन कल्पनाएं अच्छे बुरे की बैठ गई है, उससे संबंधित है, एक तरह से प्राकृतिक है। तो क्या करना, कैसे होता है? तो एक उदाहरण तो सर्वत्र दिखता है जिसमें अस्वच्छता है लेकिन अपवित्रता की भावना नहीं आती, न करने वाले के मन में आती है न देखने वाले के मन में आती है। हर परिवार में ये उदाहरण विद्यमान है। परिवार में छोटे बालकों का मैला साफ करने से लेकर तो घर के सब लोगों के लिए भोजन बनाना, पूजा के लिए पूजा सामग्री तैयार करने का काम करने वाली मां स्वयं को अपवित्र नहीं मानती, उसको वो कोई अपवित्र नहीं मानती। और ये क्यों है? ये इसलिए है कि उस माता के प्रति भक्ति ये मनुष्य का स्वभाव है, माता के प्रति आत्मीयता, और उस माता का भी सबके प्रति वत्सलता का स्वभाव है। ये आत्मीयता जो है उसी को हम संघ में कहते हैं ये सामाजिक समरसता कहते हैं। वो हमारे समाज के जितने लोग हैं वो कौन है? वो हमारे हैं। आज उनकी स्थिति कैसी है वो हम देखेंगे, और उनकी स्थिति जैसी होनी चाहिए हमारे साथ, क्योंकि वो हमारे आत्मीय है, जैसा हम रहेंगे वैसा वो रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ उठेंगे बैठेंगे, सबके जैसी आत्मीयता, सबके जैसा सम्मान पाएंगे। इस रचना को लाने की आवश्यकता तो है। हजार वर्षों के संघर्ष के काल में सब अस्त व्यस्त हो गया, उसको निकालकर
ऐसी व्यवस्था लानी है। बहुत मैं इसका विचार करता नहीं, यानी मैं मेरी व्यक्तिगत बात बताता हूं कि शास्त्रों में क्या है कैसा है, क्योंकि तो एक तो बात पक्की है कि हिंदू परंपरा कहती है कि सब में एक आत्मा है और वही परमात्मा है, और वो जो ध्रुव सत्य है जिसके सामने बाकी सब अपने अनुभूति के जो स्तरों के सत्य है वो मिथ्या हो जाते हैं, वही एक स्तर रह जाता है और वही शाश्वत है, वहां तो कोई भेद है नहीं। तो हम जितना उसके अनुसार चलेंगे उतना हमारा कल्याण होगा। ये एक तो ध्रुव बात है, सब शास्त्रों का वही आधार बनती है, व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। इस प्रकार की अप्रीति आपस में उत्पन्न करना, विषमता उत्पन्न करना, इसके लिए कारणीभूत जो बातें हैं वो सब जानी चाहिए। क्या हमारे परंपरा में जितने अनुभूति प्राप्त लोग हैं जो ईश्वर को साक्षात देखते थे, उनसे बात करते थे, उनकी वाणी देखो, वो तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये भेद पालना बंद करो, सब पर प्रेम करो, सब तुम्हारे अपने हैं। काशी विश्वनाथ से जल लेकर गंगा से एकनाथ जी चले रामेश्वर, और रामेश्वर को जल अर्पण करना है, लेकिन बीच में एक अकालग्रस्त प्रदेश मिला, वहां एक जानवर तड़प रहा था प्यास के मारे, और लोग उसकी अनदेखी करके जा रहे थे क्योंकि अन्य कोई जल उपलब्ध नहीं था, और कावड़ का जल तो शिव को अर्पण करना है, लेकिन उन्होंने देखा और उन्होंने वो जल उस जानवर को पिला दिया। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, शिव का जल? तो उन्होंने कहा यही मेरा शिव है। उसी बात को विवेकानंद ने दोहराया कि तुम जिनको दरिद्र अज्ञानी मूर्ख समझ रहे हो ना, उनके रूप में तुम्हारी सेवा लेने का अवसर हाथ में लेकर परमेश्वर खड़ा है, और इसलिए कहो दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव। कौन उद्धार करने वाला है और किसका उद्धार हो, ये सब अपने लोग हैं भैया। हम अपने घर के किसी पीड़ित की सेवा शुश्रूषा करते हैं तो हम ये अहंकार मन में पाल कर नहीं करते कि हम उसका उद्धार कर रहे हैं, ये तो हमारा कर्तव्य है। ये आज तक हमने नहीं किया, ये पाप हमसे हुआ है, उसको धोना है। जो रेखा के ऊपर है उनकी भावना ये होनी चाहिए, अहंकार विरहित कर्तृत्व, जिसके मूल में आत्मीयता और अपने बंधुओं के प्रति सम्मान का भाव है, उसके आधार पर सब बातों का विचार करना चाहिए। आरक्षण पर बात चल रही थी एक जगह, कॉलेज विद्यार्थी थे मेरे सामने, अरे आज की पीढ़ी है, आरक्षण मिलता है जिनको उनकी सुविधा होती है, नहीं मिलता उनकी वो पीड़ा होती है, कष्ट सहन करना पड़ता है, तो वो विरोध करते हैं। मेरे सामने दोनों प्रकार के लोग बैठे थे, मैंने संघ का बताया कि हमारा आरक्षण को समर्थन है जब तक सामाजिक भेदभाव है, आरक्षण चाहिए, सामाजिक भेदभाव के शिकार सब लोगों को बराबरी में लाने के लिए आरक्षण चाहिए, ऐसा हमारा विचार है, उसकी राजनीति ना हो, जिनको चाहिए उनको मिले और आरक्षण मांगने की बारी उनकी ना आए, इतना केवल हम कहते। तो लोगों ने कहा कि फिर हमारी पीढ़ियों पूर्वजों ने कुछ अन्याय किया होगा तो हम क्यों सहन करें। मैंने उनको कहा कि देखिए भाई, हजार वर्षों तक देश के हित के लिए उस अन्याय को इन लोगों ने सहन किया है, अब जिन कारणों से ये अन्याय वो सहन करते रहे, देश पर आक्रमण था, वो रहा नहीं, हम स्वतंत्र हो गए, अब हमारा कर्तव्य उनको बराबरी में लाए। उनको बराबरी में लाने के लिए अगर 100 साल आपको सहन करना पड़ता है तो कौन सी बात बिगड़ी। नहीं आएगा ये भी तर्क समझ में नहीं आएगा अगर मन में आत्मीयता नहीं है तो, ये विचार तभी मन में आ सकता है, बुद्धि को मान्य हो सकता है और मुख से निस्सृत हो सकता है
जब मन में आत्मीयता है, क्योंकि नहीं तो इलाज नहीं। तराजू में तोलकर सब बातों को देखेंगे तो कोई समस्या का समाधान निकलने वाला नहीं है। घर में कभी कभी छोटे बच्चों के झगड़ा होता है ना कि उसको क्यों, मुझे क्यों नहीं, तो माता कैसे समझाती है, अरे वो बड़ा हो गया है। अरे बड़ा हो गया तो क्या, अब प्रश्नों का अंत नहीं और उसका कोई उत्तर नहीं। लेकिन झगड़ा होता ही नहीं जब उसको मिला यानी मुझे ही मिला ये आत्मीयता है। इस आत्मीयता और सम्मान की भावना से हमारा व्यवहार सबके साथ होना चाहिए, ये सबकी शिक्षा होनी चाहिए। और हाथ ऊपर करना है तो स्वाभिमान पर खड़ा करना है, जिनके कारण आज समाज के ऐसे वंचित वर्गों का उत्थान हो रहा है ये हम देख रहे। उन्होंने क्या किया, पहली बात तो यही की, दक्षिण में नारायण गुरु हुए, वो स्वयं ऐसे समाज के वर्ग में से थे। उन्होंने कहा ठीक है हमको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता, कोई बात नहीं, आपके मंदिर आपको लख लाभ हो, हम हमारे मंदिर बनाते। उन्होंने अपने अलग मंदिर बनाए और उसमें सबको प्रवेश दिया। एक जगह शिव की स्थापना करने वाले थे तो बहुत सारे लोग आ गए कि धर्म विरुद्ध काम है आप शिव, तो उन्होंने कहा मैं अछूत शिव की स्थापना कर रहा हूं, आप उसको छूने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए, मेरी हमारे लोग आएंगे। नारायण गुरु जी के बनाए हुए मंदिर और मंदिर बनाने की परंपरा आज भी चल रही है, विशिष्ट पद्धति से बनते हैं, बहुत साफ सुथरे रहते हैं और समाज के सब वर्गों के लोग उसमें जाते हैं। क्या स्वतंत्रता के इतने वर्षों पश्चात भी हमारे मंदिर की जगह, पानी की जगह, स्मशान की जगह अपने आप को हिंदू कहने वाले सबके लिए एक नहीं हो सकती, करना पड़ेगा। तर्कम कही देंगे, युक्तिवाद कही देंगे, समर्थन कुछ करेंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे नहीं भाई, व्यवहार चाहिए, व्यवहार चाहिए। और इसलिए स्वाभिमान का व्यवहार नारायण गुरु जी का, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी यही किया और 40 साल उन्होंने सहन करके राह देखी। समझेंगे समझेंगे समझेंगे, नहीं समझे तो उन्होंने घोषणा की कि हिंदू नाते में जन्मा हूं, हिंदू नाते मरूंगा नहीं, और दीक्षा परिवर्तन किया। लेकिन दीक्षा परिवर्तन करते समय भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर चलने वाले संप्रदाय को ही चुना। क्यों, उन्होंने कहा कि मुझे अपने बंधुओं को राहत देना है, उनको संकट से बाहर निकालना है, लेकिन देश का हित नहीं करना है। आज हिंदू समाज शायद मुझसे क्रुद्ध होगा कि मैं इतने सारे लोगों को बाहर ले जा रहा हूं, लेकिन कल हिंदू समाज के लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा उपकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने किया। उनको पूछा हमारे दत्तोपन जी ठेंगड़ी का, उनका अच्छा संबंध था, कि आप क्यों ऐसा कर रहे, बहुत उन्होंने पूछा। संत गाड़गे बाबा उनके बहुत करीब थे, उन्होंने भी कहा कि इस निर्णय को आप बदल सकते हैं क्या, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको कहा कि अब मेरे लिए दूसरा रास्ता नहीं है। तो संत गाड़गे बाबा जो संतवाणी का प्रचार सारे समाज में करते थे वो चुप रहे, उन्हें कहा ठीक है करी। दत्तोपन जी ने पूछा कि हम संघ के लोग हैं, हम सारे हिंदू समाज को एक मानते हैं, हम विषमता को मानते नहीं, आपको पता नहीं क्या। उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम संघ वाले हो और तुम इन सब बातों को मानते नहीं, मुझे पता है, लेकिन ये बताओ कि तुम हो कितने हैं और इन सब बातों के बारे में आधिकारिक तुमको माना जाता है कि धर्माचार्यों को माना जाता है। मैं जानता हूं तुम लोग ये सब कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी शक्ति नहीं है और तुम्हारा अधिकार भी नहीं है, मेरा समाज रुकने के लिए तैयार नहीं है। धर्म को लेकर चलने वाले जो भारतीय परंपरा का प्रवाह है उसके बाहर जो लोग हैं वो इनको ले जाएंगे, खा जाएंगे,
ये मैं होने देना नहीं चाहता। अब ये उत्तर देखिए, इन्हें इतना अन्याय और इतनी प्रताड़ना, बैरिस्टर बन जाने के बाद देश का संविधान लिखने में सहभागी होने के बाद जिन्होंने सहन की, वो भी विचार कैसा कर रहे हैं? बदला लेंगे का विचार नहीं कर रहे हो, वो विचार कर रहे हैं कि ठीक है हम संकट से मुक्त हो लेकिन देश का हित न हो, परंपरा का हित न हो। ये बिना आत्मीयता के बात आती नहीं है, ये केवल बुद्धि का प्रताप नहीं, कुशाग्र बुद्धि थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, लेकिन ये बुद्धि से आने वाली बातें नहीं, ये हृदय से आने वाली बातें, हृदय चाहिए। और ये तीनों पुस्तकें उस हृदय को बनाती है, जिनको ऊपर उठना है उनका गौरव जगाती है। सारे भ्रम वगैरह जो इधर उधर छाए हैं उसका कुहासा छाट कर उनको अपना मूल स्पष्ट दिखाती है और बाकी समाज को बताती है कि देखो तुमसे भी अधिक गौरव और सम्मान के प्राप्त ये लोग हैं। अभी करने की बातें बहुत है, अभी केवल साथ भोजन करना वगैरह इससे क्या, वो तो होता ही है, तो होता ही है, और अधिक बढ़ेगी ये बातें, परिस्थिति के दबाव में बढ़ेगी। परंतु मन से जाना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। विकास के लिए, सम्मान के लिए जो जो बातें हो रही उसके लिए लड़ने वाले, उसके लिए प्रयास करने वाले उनके साथ खड़ा होंगे, परंतु इन सबके पीछे भावना वो होनी चाहिए, ये मेरे अपने है, मैं भूल गया था, ये मेरा दोष है, ये मेरे अपने हैं, और हम इतनी बड़ी परंपरा के वारिस हैं, उस परंपरा को आज के देशकाल परिस्थिति की सुसंगत रचना में हमको खड़ा करना पड़ेगा। ऐसा देखेंगे तो पता चलेगा। मैं अभी का अनुभव बताता हूं, मैंने आरक्षण का विषय आता है तो दूसरा आरक्षण विरोधी व्यक्तिवाद भी है और उसमें भी बहुत दम है ऐसा कभी कभी लगता है, लेकिन अभी एक बात ने मेरी आंखें तो और खोल दी, मैंने पहले से मैं विचार ऐसे ही करता हूं, लेकिन एक अनुभव आया हमारे एक स्वयंसेवक है, इस घटना के कारण मेरा उसका संबंध कम से कम 40 वर्षों का है, उसके घर में मैं कई बार भोजन कर चुका हूं, लेकिन अभी इस घटना के कारण मुझे पता चला कि वो अनुसूचित जाति का है, क्योंकि एक्साइज में काम करता है, अच्छा सरकारी नौकर है, लड़की बड़ी हो गई, उसको प्रवेश देना था इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हमारे कार्यकर्ता के पास आ गया कि बड़ी मुश्किल हो गई, 32 लाख रुपए मांग रहे हैं, है आजकल अब शिक्षा सस्ती कैसी हो, विचार करने वाली यहां बैठे, परंतु है अभी देना पड़ता है, सबको देना पड़ता है, तो उसको भी मांगा, यानी कोई इलीगल नहीं, फीस वैसी है, तो उसने कहा मैं एक्साइज में सेकंड क्लास गैजेटेड ऑफिसर हूं लेकिन इतनी मेरी कमाई नहीं है। तो जिस कार्यकर्ता के पास गया था वो कार्यकर्ता जानता था कि अनुसूचित जाति का, तो उसने कहा अरे यार तुमने फॉर्म भरते समय कैटेगरी नहीं लिखवाई क्या आपने? कैटेगरी लिखवाए तो इतना देना नहीं पड़ेगा तुमको, 5-10 लाख में काम चल जाएगा। उसने कहा नहीं मैं शंका स्वयंसेवक हूं, मैंने सोचा कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, आरक्षण है भी तो भी जिस किसी और को आवश्यक है उसको मिले, मैं क्यों लूं, मैं क्लास 2 गैजेटेड ऑफिसर बन गया, तो इसलिए मैंने लिखवाया नहीं, लेकिन अब लिखवाया नहीं तो अब लेने के देने पड़ रहे हैं। अब ये वस्तुस्थिति है, जीवन की वस्तुस्थिति अगर ये है तो हमको कैसे विचार करना पड़ेगा, लेकिन ये भान तब आता है, ये तर्क से नहीं होता, ये बुद्धि से नहीं होता, तराजू में तोलने से नहीं होता। पिछले 2000 वर्ष में क्या क्या हुआ है, किसने क्या क्या भोगा है, किसने कितना त्याग किया है, इसकी अनुभूति जब हृदय करता है तब फिर ये सारी बातें जाती है। मेरी एक ही प्रार्थना है, आप पुस्तकें पढ़िए,
इस ज्ञान को आप अपना स्वाध्याय बनाइए, लेकिन केवल पढ़कर मत रहिए। अपनी छोटी बड़ी सारी कृतियों में ये व्यवहार आज से प्रारंभ कर दीजिए, अभी से प्रारंभ कर दीजिए अगर नहीं किया हो तो, क्योंकि जरूरत उसी है, गुत्थी उसी से सुलझेगी। बाकी बातों में जाएंगे तो ये चलने वाला है, चलते रहता है। समाज मन से एक हो, प्रेम से एक हो, हृदय से एक हो, और अपने समाज को, अपने देश को बड़ा बनाकर दुनिया को सुखी सुंदर बनाने का काम करने में एक मन से जुट जाए, ये अगर होना है तो उसके पहले हमको ये हृदय प्रत्येक देशवासी में तैयार करना पड़ेगा। मैं भी एक देशवासी हूं, मुझे मेरे अपने हृदय से प्रारंभ करना पड़ेगा। इन पुस्तकों का अध्ययन उस प्रारंभ की प्रेरणा सबके जीवन में जगाए, ये एक शुभकामना देता हुआ, आपका धन्यवाद करता हुआ मैं अपने चार शब्द समाप्त करता हूं।